गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ NRPS स्कूल। NRPS स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने हमारा दूसरा पार्ट सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु स्टार्ट कर दिया। मैंने आपको मूल्यांकन के लिए कहा था और आई होप आप लोग जो याद कर रखा होगा, आप लोगों ने याद करके ही बैठे हो ये दूसरा वीडियो देखने। तो मेरा पहला प्रश्न लिखिए, मूल्यांकन का पहला प्रश्न लिखो। सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है? सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है? नाम लिखो, नाम लिखने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर दो, विषाणु जनित रोगों के चार उदाहरण लिखिए। ये दो प्रश्न हैं, जल्दी से वीडियो को पॉज लगा लो और पॉज लगाने के पश्चात इन्हें आप करिए। तो बच्चों, आपने ये दोनों प्रश्न कर लिए होंगे, आसान से प्रश्न थे। इनके उत्तर मैं बता देती हूँ। दोनों प्रश्न जो हैं वो दो दो नंबर के हैं, ठीक है। चार वर्गों में बांटा गया है, तो चारों वर्गों को जो एक वर्ग है उसका आधा नंबर दे देना है आपको। तो आधा आधा करके दो नंबर हो जाएंगे चार के। सूक्ष्म जीवों को चार वर्गों में बांटा गया है, कौन से? जीवाणु, शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ। जीवाणु, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ। दूसरा है विषाणु जनित रोगों के चार उदाहरण। तो विषाणु जनित रोग कौन सा है? कोरोना और इन्फ्लुएंजा, हेजा, पोलियो, सर्दी, जुखाम आदि। ये सब चार कोई भी आप इसमें से लिख लेना। तो अपने आप को नंबर दे दें, जब रेगुलर क्लास होगी तो चेक होएगा आपका मूल्यांकन कि कितने मूल्यांकन आपने किए हैं। सारे मूल्यांकन आपकी कॉपी में होने चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमने शुरू करा था दही एवं ब्रेड का बनना। जो मित्र रूप है उसमें सबसे पहला कि लाभ जो है सूक्ष्म जीवों के, वो है दही एवं ब्रेड का बनना। दही एवं ब्रेड का बनना। जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। दही में अनेक सूक्ष्म जीव होते हैं जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर, आचार, अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है। रवा, सूजी जो होती है वो, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठक है। क्या हम अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों? जीवाणु एवं यीस्ट जो है वो चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे इडली और डोसा बनता है। देखो क्या होता है बच्चों, आप एक क्रियाकलाप है कि एक बर्तन में हम आधा किलोग्राम आटा अथवा मैदा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल में मिलाएंगे। इसमें थोड़ी मात्रा में चुटकी भर यीस्ट पाउडर डाल देंगे। अब 2 घंटे के लिए इसको रख दें। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मैदे का आटा है वो उठा हुआ हो जाता है, मतलब थोड़ा सा फूल जाता है। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि वो जो चुटकी हमने यीस्ट की मिलाई है, यीस्ट इसमें जनन का कार्य करने लगता है। और जनन करने में श्वसन के दौरान क्या निकलती है? श्वसन जब हम करते हैं तो क्या, कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित होने से गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। तो जो गैस के बुलबुले हैं वो उस मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं, और मैदा क्या हो जाता है? फूल जाता है। यह बेकिंग उद्योग में यीस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री, केक आदि बनाए जाते हैं। तो इसमें बच्चों हम लिख लेते हैं कुछ। दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु सहायक है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है वो दूध से दही निर्माण में सहायक होता है। दूसरा, यीस्ट को जब मैदे, सूजी अथवा आटे में मिलाकर गूंथा जाता है, है ना, गूंथा जाता है, तो यीस्ट जनन करता है तथा श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बाहर निकलती है, CO2 बाहर निकलती है CO2 के बुलबुले खमीर वाले मैदा का आयतन बढ़ा देते हैं। ठीक है बच्चों, यीस्ट को जब मैदे, सूजी अथवा आटे में मिलाकर गूंथा जाता है तो यीस्ट जनन करता है तथा श्वसन के दौरान CO2 बाहर निकलती है। CO2 के बुलबुले खमीर वाले मैदा का आयतन बढ़ा देते हैं, और आयतन बढ़ा देने से क्या होता है, जो स्पंजी सॉफ्ट सी जो चीज़ है वो बन जाती है। तो इसका उपयोग जो है वो ब्रेड, पेस्ट्री, केक आदि बनाने में किया जाता है। तो यीस्ट जो है, यीस्ट का उपयोग किस में किया जाता है? यीस्ट का उपयोग ब्रेड, केक, पेस्ट्री आदि बनाने में। ठीक है बच्चों,
तो ये है दही एवं ब्रेड का बनना। ये जो एक उपयोग है ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि दही और ब्रेड का बनना सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। दही दूध जो होता है उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है जो जनन करता है और दही में बदल देता है दूध को। यीस्ट जो है, जब यीस्ट को मैदे वगैरह के साथ गूंथा जाता है, एक चुटकी मैदे यीस्ट डालकर जब गूंथा जाता है तो कुछ समय पश्चात यीस्ट क्या करने लगता है, उसमें जनन करने लगता है और श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है और ये मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले बन जाते हैं जिससे जो केक, पेस्ट्री और ब्रेड आदि बनाए जाते हैं। तो ये हो गया बच्चों पहला, जो सूक्ष्म जीव का मित्रवत व्यवहार है वो हो गया पहला, मतलब सूक्ष्म जीवों का उपयोग। उपयोग लिखो आता है तो भी आप यही उत्तर लिखेंगे, और अगर आता है कि सूक्ष्म जीव मित्र हैं इसे समझाइए तो ये भी आप, ये इसके उपयोग ही आपको लिखना है सूक्ष्म जीवों के। दूसरा है सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग, बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। वाणिज्यिक मतलब देखो बच्चों व्यापारिक रूप से, है ना, तो व्यापारिक रूप से इसका उपयोग कैसे है कि बड़े जैसे अल्कोहल है, शराब है, एसिटिक एसिड है, इनके निर्माण में हम कई प्रकार के सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। गेहूँ, चावल, फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। एक क्रियाकलाप दे रखा है, 500 ml का बीकर लेकर उसमें 3/4 भाग तक जल डाल देंगे, है ना। मान लेते हैं 500 ml का ये बीकर है और इसमें 3/4 भाग तक क्या डाल दिया है, जल डाल दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, 2-3 चम्मच चीनी घोल देंगे, 2-3 चम्मच चीनी, 2-3 चम्मच चीनी इसमें घोल देंगे और उसके पश्चात आधा चम्मच यीस्ट पाउडर, आधा चम्मच यीस्ट, ठीक है, आधा चम्मच यीस्ट पाउडर डालेंगे और इसे गर्म स्थान पर ढककर रख देंगे। गर्म जगह जो होगी वहाँ पर इसको हम कवर्ड करके यूँ ढककर रख देंगे। हम देखते हैं कि 2-3 दिन के बाद या 4-5 घंटों के बाद इसमें से बदबू आने लगती है, किस अलग सी स्मेल आने लगती है, और ये स्मेल किसकी होती है, ये गंध किसकी होती है, अल्कोहल की होती है। तो अल्कोहल जो होता है वो शर्करा को किसमें बदल देता है, यीस्ट जो है वो शर्करा को अल्कोहल में बदल देता है और चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की क्रिया को किण्वन कहते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। किण्वन जो है उसकी खोज की थी 1857 में लुई पाश्चर ने, ठीक है बच्चों। तो इसे अपन लिखते हैं, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो हम लिख लेंगे। बड़े स्तर पर एसिटिक एसिड, बड़े स्तर पर एसिटिक एसिड अल्कोहल व शराब निर्माण में
शराब निर्माण में सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। ठीक है, दूसरी प्रक्रिया इसमें आप बच्चों किण्वन लिख सकते हो। ठीक है, तो किण्वन के बारे में कई बार शॉर्ट नोट भी आ जाता है, किण्वन क्या है। तो किण्वन देखो, किण्वन जो है उसकी खोज जो है वो किसने की, किण्वन की खोज 1857 की क्रांति भी हुई थी, याद रहेगा 1857 में लुई पाश्चर, और ये क्रांति भी हो गई। लुई पाश्चर ने की। ठीक है, अब परिभाषा जो है चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो चीनी जो है चीनी से अल्कोहल में बदलने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं किण्वन या फर्मेंटेशन। जो किण्वन है उसकी खोज की लुई पाश्चर ने 1857 में, 1857 तारीख साल तो आपको याद रहेगा, 1857 की क्रांति हुई थी तो उसी से रिलेटेड इसको समझ लेना। ये भी औद्योगिक क्रांति है एक तरह से, जब किण्वन की खोज हो गई तो कई औद्योगिक जो काम में आने वाले रसायन हैं उनका निर्माण होने लगा, जैसे एसिटिक एसिड, अल्कोहल और शराब निर्माण जो है वो किण्वन की सहायता से ही हुआ। और किण्वन जो है किण्वन में उपयोगी सूक्ष्म जीव कौन सा होता है, किण्वन में यीस्ट का उपयोग होता है। यीस्ट एक कवक होता है बच्चों, सफ़ेद कलर का पाउडर आता है जो ब्रेड, केक और आदि बनाने में भी यीस्ट का ही उपयोग हो रहा था। किण्वन या फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है उसमें भी इसका यीस्ट का ही उपयोग हो रहा है। तो यहाँ तक ये चीज़ समझ में आई, सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग मतलब व्यापार में जो उपयोग हो रहा है उसके बारे में बताया है। दूसरा ये मित्रवत उदाहरण है, बड़े स्तर पर एसिटिक एसिड, एल्कोहल एवं शराब निर्माण में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। किण्वन जो प्रक्रिया है उसकी खोज 1857 में लुई पाश्चर ने की। चीनी से अल्कोहल, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है उसको ही हम क्या कहते हैं, किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। और किण्वन में किसका उपयोग किया जाता है, यीस्ट का उपयोग किया जाता है। ये जो किण्वन की प्रक्रिया है इसका क्रियाकलाप भी मैंने आपको समझाया। क्रियाकलाप के अंतर्गत हम क्या करते हैं, एक आधा लीटर जिसमें पानी आ जाए उतना बड़ा एक बीकर लेते हैं और उस बीकर को 3/4 भर देते हैं। उसमें 2-3 चम्मच शक्कर डालते हैं और शक्कर डालने के पश्चात एक चुटकी भर उसमें यीस्ट को डाल देते हैं और उसको गर्म जगह पर जहाँ पर धूप आ रही हो वहाँ पर ढककर उसको 3-4 घंटों के लिए रख देते हैं। हम देखते हैं कि 3-4 घंटों के बाद में जब उस ढक्कन को अपन हटाएंगे तो हमें एक अलग सी गंध आती है
और वो गंध किसकी होती है, अल्कोहल की होती है। मतलब यीस्ट ने जो शक्कर थी, 2-3 चम्मच जो शक्कर थी, उसको किस में परिवर्तित कर दिया, अल्कोहल में परिवर्तित कर दिया। और अल्कोहल का उपयोग ही किस में किया जाता है, अल्कोहल का उपयोग विभिन्न अलग तरह की जो शराब बनाने में होता है उसमें उपयोग किया जाता है। उसके अतिरिक्त अल्कोहल का उपयोग कई जो होम्योपैथी दवाइयाँ वगैरह होती हैं उसके अंदर भी अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, ये आपको पॉइंट समझ में आ गया। हम तीसरे उपयोग की ओर बढ़ते हैं। तीसरा उपयोग है सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। औषधीय उपयोग, जब कभी हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देता है या फिर कोई और एंटीबायोटिक दवाई देता है या कोई और इंजेक्शन लगाता है। तो अब इस जो ये जो इंजेक्शन वो लगा रहा है, वो उसका स्रोत क्या है, एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो क्या होती हैं। देखो बच्चों, जो एंटीबायोटिक होती है औषधि, जिसको हम प्रतिजैविक बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं हम, प्रतिजैविक। और ये प्रतिजैविक औषधियाँ जो है, इसका उत्पादन जीवाणु और कवक के द्वारा किया जाता है। और इसमें कई एंटीबायोटिक्स होती हैं, जिसमें है स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, तो कई प्रकार की एरिथ्रोमाइसिन, ये कई प्रकार की सामान्य एंटीबायोटिक्स होती हैं जिन्हें कवक और जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव के संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लिया जाता है। ये एंटीबायोटिक क्या होता है बच्चों, जैसे मान लेते हैं हमें कोई तबीयत खराब हो गई, सर्दी जुकाम हो गई। अब सर्दी जुकाम होने के पश्चात हमारे शरीर में खुद का हमारा प्रतिरक्षा तंत्र होता है, परंतु वो प्रतिरक्षा तंत्र उस जो भी मान लीजिए बाहर से कोई वायरस आ गया, कोई जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर गया, जो रोग कारक है, जो रोग फैला रहा है, वो जैसे ही प्रवेश करता है, हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा है, वो जो कोशिकाएं होती है, प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती है, वो सैनिकों की तरह खड़ी हो जाती है और उनको नष्ट करने का कार्य करती है। और कई बार ऐसा होता है कि सर्दी जुकाम, आप कोई भी दवाई नहीं ली, फिर भी आप 3-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाते हो। तो वो क्यों होती है, क्योंकि हमारी खुद की प्रतिरक्षा तंत्र, हमारी खुद की जो प्रतिरक्षी कोशिकाएं हैं, उन्होंने उसको क्या कर दिया, उन जीवाणु विषाणुओं को क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया है। परंतु जिन लोगों की प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होता है, जो अच्छे से भोजन नहीं कर रहे हैं, हरी सब्जियां, फल वगैरह अपने भोजन में नहीं ले रहे हैं, उनकी प्रतिरक्षा जो होती है वो कमज़ोर होती है। और कमज़ोर होने की वजह से जब जीवाणु या विषाणु रोग कारक जो है वो जब हमारे शरीर पे प्रवेश करता है, तो प्रतिरक्षी कोशिकाएं उत्पन्न उतनी मात्रा में उत्पन्न नहीं हो पाती और हम बीमार पड़ जाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, बाहर से प्रतिरक्षी दवाइयाँ लेनी पड़ती है, जिनको ही हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स कहते हैं। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन हैं, ये सब क्या हैं, एंटीबायोटिक हैं। वो फिर जाकर उन जीवाणुओं और विषाणुओं पर कार्य करती है और हमें ठीक करती है। तो इसलिए बच्चों, हमें हमारा प्रतिरक्षी तंत्र जो है वो मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, वो जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे कि जीवाणु से अगर कोई रोग हो जाए तो उससे बचाव के लिए हम क्या करें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि एक तश्तरी में उन्होंने हरे रंग की फफूंद
के छोटे छोटे बीजाणु देखे, जहाँ उन्होंने संवर्धन के लिए रखा था, जीवाणुओं को रखा था कि जीवाणु ग्रोथ करे, वृद्धि करे, तो एक तश्तरी में उन्होंने रख रखा था। वहाँ पर उन्होंने देखा कि उस पर फफूंद लग गई, और फफूंद जो है, फफूंद ने जीवाणुओं को तो नष्ट कर दिया और खुद क्या कर दिया, उसने वृद्धि करना शुरू कर दिया। तो उनको समझ में आया इस चीज़ से कि जीवाणुओं को समाप्त करने के लिए कवक जो है वो फ़ायदा कर सकती है, और उन्होंने प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाया। और ये पेनिसिलिन जो था ये उस फफूंद से ही निर्मित हुआ था, ठीक है। पेनिसिलम सेटाइवम जो था उसका वैज्ञानिक नाम था, जिससे पेनिसिलिन का आविष्कार हुआ। तो बच्चों आपको ये चीज़ समझ में, एंटीबायोटिक जो है वो बड़ी बड़ी क्लासों में आ जाते हैं तो भी हमें चीज़ समझ में नहीं आती है। तो एंटीबायोटिक प्रतिजैविक जो है वो क्या करती है, जो रोग कारक जीवाणु और विषाणु होते हैं उनको नष्ट करने का काम करती है। हमारे अंदर भी एंटीबायोटिक बनती है। अभी जैसे बच्चों हम कोरोना का समय चल रहा है, ठीक है, तो आप न्यूज़ वगैरह देखते होंगे तो उसमें क्या बताते हैं कि जो 80% लोग हैं वो उनमें तो कोई लक्षण दिख ही नहीं रहे हैं, और बाकियों में लक्षण दिख रहे हैं, वो सीरियस हो रहे हैं, अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। अब वो लक्षण क्यों नहीं दिख रहे, वो भी तो इंसान ही है, कोरोना भी अलग अलग तरह का तो है नहीं, एक ही तरह का कोरोना है जो जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जो 80% लोग हैं उनका प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो बहुत मजबूत है, और मजबूत होने की वजह से जब वायरस कोरोना जो उनके अंदर प्रवेश कर रहा है कोविड-19, वो उसमें उसके शरीर में ही प्रतिजैविकों का निर्माण हो रहा है और उस कोविड-19 को वो वहीं समाप्त कर रहा है। शरीर की प्रतिरक्षी जो है वही उनको क्या कर रही है, कोरोना को समाप्त कर रही है। इसलिए उनको तो सर्दी जुखाम खांसी जैसे कोई लक्षण ही उनको दिखाई नहीं देते, उनके बाहर प्रकट नहीं हो रहे, क्योंकि वो अंदर ही जो प्रतिरक्षी है वो उनको समाप्त कर देती है। जबकि जिनकी प्रतिरक्षा कमज़ोर है वो रोग से ग्रसित हो रहे हैं और वही अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। इसलिए बच्चों हमें खाने पीने पर और अपने प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने में ध्यान देना चाहिए। होमवर्क दे दूं मैं आपको, कल मैं इसके बारे में लिखवा दूंगी अगले वीडियो में। आज का होमवर्क लिख लीजिए, प्रश्न 1, दही निर्माण में कौन सा सूक्ष्म जीव उपयोगी है, कौन सा सूक्ष्म जीव उपयोगी है। प्रश्न 2, किण्वन किसे कहते हैं, इसकी खोज किसने की। ठीक है, किण्वन किसे कहते हैं बच्चों, शक्कर से अल्कोहल बनाने के प्रक्रम को किण्वन कहते हैं, और इसकी खोज की लुई पाश्चर ने 1857 में। प्रश्न 3, ब्रेड केक आदि बनाने में कौन से सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है, कौन से सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है, यीस्ट का, है ना। यीस्ट जो है वो एक आधार है हमारे उद्योगों का। तो बच्चों याद कर लें, अगले मूल्यांकन के लिए तैयार रहें। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।